तो फ्रेंड्स इन पहाड़ों में थक जाता है आदमी चल चल के, कितना कि उस पहाड़ से आए हैं हम ओ पहाड़ से, और अब यहाँ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इलाका खूबसूरत है फ्रेंड्स और रास्ते भी थोड़े दुर्गम है। यहाँ पांडवों के काफ़ी मंदिर यहाँ देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स, जो प्राचीन है। अज्ञातवास जब उनको हुआ था तो वो इन्हीं जगहों में रहते थे और यहाँ पर ही वो देख सकते हैं आप। तो यहाँ ये प्राचीन मंदिर जैसे नीचे मैंने अभी दिखाया था आपको एक, तो काफ़ी सुंदर है फ्रेंड्स ये इलाका। और हम भी यहाँ घूम रहे हैं, अब हम सिरमौर के इलाके में हैं और वो पार को जो इलाका दिख रहा है फ्रेंड्स वो हमारा डिस्ट्रिक्ट शिमला पड़ता है पार को। तो फ्रेंड्स हमें ट्रैकिंग का बड़ा शौक़ है, तो सुबह और शाम आजकल दोनों टाइम हम खूब वॉक कर रहे हैं दबा के। पसीना आप देख सकते हैं ये देखिए, और करी लेनी पाड़ारी से, करी लेनी पाड़ारी से। ओ लगा ढोलो रा दमका मारा हिमाचलो बड़ा बांका, ओ लगा ढोलो। फ्रेंड्स चढ़ाई है खड़ी और साथ में गाना भी टफ है। ओ लगा ढोलो रा दमका मारा हिमाचलो बड़ा बांका, लगा ढोलो रा दमका मारा हिमाचलो बड़ा बांका। और ऋषि मुनि रे धरती है तेरी कोई नहीं बेगाना, और ऋषि मुनि रे धरती है तेरी कोई नहीं बेगाना। लगा डोलोरा दमका मारा हिमाचलो बड़ा बांका, हो लगा डोलोरा धमका मारा हिमाचलो बड़ा बाका। तो फ्रेंड्स आपको विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो, ओ नीचे से आए फ्रेंड्स खड़ी चढ़ाई चढ़ के, और ठीक स्पीड है हमारी और स्पीड में भी गाना टफ है फ्रेंड्स, तो फिर भी मैं अपने व्यूअर्स का एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पहाड़ी भाषा भी कम आती है फ्रेंड्स, पंजाब में रहा हूँ पंजाबी ज़्यादा बोलता मैं, आई इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, बट पहाड़ी इज़ वेरी टफ फॉर मी। बट बींग पहाड़ी आई कैन टॉक इन पहाड़ी, या पहाड़ी स्वैग कम ऑन या। तो हमारे साथ है चले हुए ये हमारे पंडित जी हैं, मिस्टर सुरजीत शर्मा जी पंडित जी हमारे ये। तो पंडित जी आप इस इलाके के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि इस मंदिर के बारे में और यहाँ की प्राचीनता के बारे में हमारे दर्शक सुन रहे हैं, बताएंगे आप कुछ? सांस ले लीजिएगा पहले, चढ़ाई तो है ही। तो पंडित जी भी थोड़ा अभी सांस थोड़े ऊपर ही है फ्रेंड्स, क्योंकि हम एक दुगो थोड़ा प्लेन में आते हैं फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो पंडित जी कुछ थोड़ा सा हमारे फैंस आप यहाँ के सभी को। मेरा नाम सुजीत है, मैं यहाँ पे इस जगह पे रहता हूँ, और यहाँ पे हमारे कई ऐसे मंदिर भी है जो पांडव के टाइम के हैं, बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं यहाँ पे। एक जगह तो यहाँ पे शिवलिंग निकली हुई नीचे से। अच्छा जी, पांच लिंग है पूरा परिवार। अच्छा,
फिर निकला हुआ है। 5 लिंग। अच्छा हाँ जी, वो एक दूसरे में अटैच है। अच्छा अटैच है। अटैच है। अच्छा पहले वहाँ एक गौ माता होती थी, ब्राह्मण था उसकी गौ माता थी एक। अच्छा गौ माता उसको जंगल में छोड़ते थे। अच्छा जंगल में छोड़े तो घर में एक बार देखा पंडित ने दूध नहीं दे रही घर में। अच्छा जो कि फिर गया उसके पीछे, मैं जाता हूँ उसके पीछे देखता हूँ मैं कहाँ जाती है ये। अच्छा और देखा तो एक जगह झाड़िया ही झाड़िया थी। अच्छा उस जगह पे खुद थनों से दूध आ रहा। अच्छा उस जगह पे। अच्छा हाँ जी, उस टाइम तो सांप नहीं थी की भी। हाँ। फिर जाके उसको देखा और उसने सब जगह बोल दिया कि ऐसी बात है, यहाँ पे मेरी गाय ने दूध दिया। तब जाके लोगों ने उस चीज वहाँ को झाड़िया वगैरह साफ की। अच्छा और खोदा। अच्छा फिर जाके निकली वो शिवलिंग। शिवलिंग है वहाँ। अच्छा 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 तो वहाँ शिवलिंग निकली फिर। हाँ जी वहाँ का नाम अभी पंचवक्त्र महादेव है। अच्छा अच्छा मंदिर का नाम तो फिर अब मंदिर का निर्माण किया गया वहाँ। ये मतलब यहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे है जगह ये ना। हाँ जी यहाँ से 7-8 चुड़धार की तरफ। हाँ जी मेरे गाँव में। अच्छा 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 और वहाँ से फिर ऊपर की ओर जंगल में जाना पड़ता है। वहाँ पे अच्छा एक गुफा है। अच्छा गुफा भी एक छोटी एक बड़ी है, दो गुफा है वहाँ पे। अच्छा और उस गुफा में अंदर 7 रास्ते हैं उस गुफा के अंदर। अच्छा 7 रास्ते। हाँ जी तो आप गए कभी उसमें? हाँ जी गए सर। तो सांप सूंप कुछ होते हैं उन्हें? कुछ नहीं सर, सिर्फ उसमें टॉर्च नहीं जल सकती। अच्छा नहीं जलती? नहीं जलती। वो क्यों जलती नहीं? जलती नहीं, वो बुझ जाती है। तो उसके लिए मशाल होता है जो शिक्षक होते हैं पैरवेशी के देवदार। हाँ हाँ उसको ले जा सकते हैं। अच्छा अच्छा टॉर्च नहीं जलती वहाँ? हाँ। और उससे उस उजाले से हम जा सकते हैं उसके अंदर। अच्छा हाँ जी। तो कोई जानवर ऐसा कुछ मिला हो आपको उसके अंदर? नहीं अभी तक तो कुछ कोई नहीं मिला जब तक हम गए थे। और दूसरी गुफा अच्छा। में खतरा है। अच्छा दूसरी में खतरा है? हाँ जी गया था मैं दूसरी गुफा में भी। अच्छा मैं एक जगह झुक के जाना पड़ता है फिर जाके सीधा खड़ा होके सीधा के। अच्छा अच्छा चढ़ाई सी पड़ती है ऊपर को। अच्छा चढ़नी पड़ती है अंदर गुफा के अंदर। अच्छा अच्छा वहाँ से फिर आगे जाना पड़ता है। तो वहाँ खतरा है? वहाँ खतरा है जानवर। वहाँ हड्डियाँ वगैरह दिखती हूँ। अच्छा हड्डियाँ? हाँ नीचे मेरे का जानवर रहता तो इसमें जानवर या सांप सूंप बड़े बड़े कोई। तो फिर अब दोबारा कभी अटैम्प्ट करेंगे? चलते हैं वहाँ, चलते हैं शाम को। अभी तो सुबह है, अभी तो ड्यूटी करेंगे फिर चलते हैं शाम को उस गुफा में। क्या बोलते हो फ्रेंड्स? ये थे यहाँ के स्थानीय निवासी मिस्टर सुरजीत शर्मा जी। ये भी पंडित है, ब्राह्मण है और इस इलाके की अच्छी खासी इनको जानकारी है। और ये हमारा इसमें पहाड़ है फ्रेंड, यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं। और अभी जो मैं कल फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक गए थे, हम एक शिव महापुराण चला हुआ है उसमें हमें भी बुलाया था। तो वहाँ एक जो उसके नज़दीक रहते हैं चूड़धार के नज़दीक, तो वो बता रहे थे कि रात को जो है वो संजीवनी बूटी नीली पीली लाल लाइटें टिमटिमाती है, लेकिन जब दिन में जा नहीं सकते क्योंकि रीच भालू है वहाँ पर, घना जंगल है ऊपर। तो वहाँ संजीवनी बूटी जब ला रहे थे कौन हनुमान जी, तो वहाँ कुछ उसके पहाड़ के टुकड़े गिर गए थे। तो आप देख सकते हैं अभी हम वहाँ से आए हैं फ्रेंड्स, उस इलाके से आए हैं। और इलाका यहाँ पहाड़ी इलाका होता है फ्रेंड्स, जितने में गाड़ी घूम के आएगी पार से उतने में हमने एक पहाड़ नीचे किया एक ऊपर और हम आगे सीधे। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। अब कुछ गांव वाला इलाका आ चुका है फ्रेंड्स, यहाँ के गांव में किस तरह से। और ये देखिए फ्रेंड्स पार्को, ये कौन सा इलाका पार्को? ये आपका ठियोग। ठियोग हाँ बलसन रेंज है पूरी, बलसन रेंज है पूरी, बलसन रेंज है फ्रेंड्स ठियोग। और नीचे है हमारी पतालखड़ और आगे जाके बनती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप अब गांव के अभी भी वैसे ही है फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा हाटी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, जैसे कि हमारे पंडित जी भी हाटी समुदाय का इनको फ़ायदा मिला है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इलाका अभी भी पिछड़ा हुआ है। हालांकि रोड यहाँ पर है, सुविधाएं हैं, फिर यहाँ के पछाड़ वाला इलाका है ये। अब हमने शिमला छोड़ दिया है, अब हम सिरमौर में एंटर कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो
ये हट्टी समुदाय की लड़ाई कैसे आपने लड़ी है, और आपको सबसे पहले तो मुबारक हो, जो आपको ये एसटी बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेंगे नौकरियों में आगे आपको, तो कब से ये कितना इस लड़ाई को आपने लड़ा है? आप भी उस हिस्सा रहे हैं उस आंदोलन का है? रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात हुई सर की यहाँ पे आईटीआई खुली जो। अच्छा अच्छा। छोटी लोग में यहाँ अब जो तो गरीब बच्चा है वो कहाँ चला पाएगा सोलन शिमला। बिल्कुल बिल्कुल। दौड़ता फिरेगा गरीब बच्चा जो, जिसके तो ठीक है घर से वो भी ठीक है दे सकते हैं भाई वो तो कर भी रहे बाहर। बिल्कुल। लेकिन अब मेरा था 10th में नहीं आ कि उसके बाद हरिद्वार चला गया मैं। अच्छा। उधर ही शास्त्री पेपर थे दो कर किए थे मैंने। अच्छा अच्छा। शास्त्री किया आपने कॉलेज? अच्छा। जाके वहाँ से पीछे ही आए। अच्छा। के लिए ये सोच देखो यहाँ नज़दीक मिलता कि हम भी और आगे पढ़ते। लेकिन मेरा जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा मन होता है। अच्छा। कि मैं भी किस टाइम ये अपने जगह पे काम करूँ। बिल्कुल। ऐसे काफ़ी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ इनके साथ यहाँ पे, और बिजली के बारे में बहुत नॉलेज है। बहुत नॉलेज है आपको, मैं देख ही रहा था आप वायरिंग कर रहे थे और जिस तरह से मीटर वगैरह चेंज करते हो। तो ये मतलब एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, मतलब एक आपका वैलिडिटी हो जाएगी कि आप काम कर सकते हैं इस फील्ड में और आगे। चलो बहुत अच्छा है, आप पढ़ते रहो और क्या, आपको बेस्ट विशेज है हमारी। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर इस तरह का बहुत ही इतनी हाइट से डाउन से हम आए हैं, आप देख रहे होंगे वो नीचे। और अब कुछ यहाँ का रिहायशी इलाका आया है, काफ़ी देर चलने के बाद हम आगे पहुँचे हैं। नीचे से लेकर मैंने आधे से लेकर कैमरा ऑन कर दिया था, तो यहाँ पुराना वही गांव वाली फीलिंग आती है फ्रेंड्स यहाँ पर। ये देखिए ये ब्योल का पेड़ होता है फ्रेंड्स, ये हमारे भी ऐसा ही है शिमला में, ब्योल ये कॉमन है हिमाचल प्रदेश में। हाँ ये ब्योल का पेड़ कॉमन है फ्रेंड्स। और ये देखिए सर्दियां हैं तो लकड़ियां काटी है लोगों ने जलाने के लिए, और ये सर्दियां काफ़ी पड़ती है फ्रेंड्स यहाँ। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि हम एक टिम्बर की दांतुड़ निकालना है यार सुरजीत, छोटी सी वजह से चोट न लगा लेना। तो ये होती है फ्रेंड्स टिम्बर, और इसकी दांतुड़ क्या बात है फ्रेंड्स, कोई भी दांत में दर्द हो रही हो तो राम बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये टिम्बर कहलाती है, तिरमिरी टिम्बर। तो ये है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की हमारा भी पसीने पसीने से बुरा हाल हो गया हुआ है चल के। ये देखिए फ्रेंड्स जनवरी महीना है, एक पतली सी शर्ट डाली है मैंने क्योंकि पसीना पड़ गया इसमें भी। ये देखिए यहाँ का जो रिहायशी इलाका है फ्रेंड्स, और ये देखिए यहाँ छोटे छोटे गौशालाएँ, काउडंग केक्स ये होता है उनका जो कि सेब में डालते हैं, और इस तरह से होती है यहाँ की गौशालाएँ पत्थर की और मिट्टी की, ठंडी ठंडी मज़ा आता है इसमें। तो ये है यहाँ का फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ का विलेज। तो अब हम विलेज वाले एरिया में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ के स्थानीय लोग हैं। और जी नमस्कार, कैसे हैं जी? ठीक है जी, नमस्कार जी। तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और ये देखिए यहाँ भी पहाड़ी गाय है फ्रेंड्स, पहाड़ी कल्चर। और ये पशु में जो घी है ना फ्रेंड्स, हे भगवान, एक बार सिड्डू के साथ यहाँ मैरिज थी, मैंने खाया एक कड़छी भी नहीं खा पाया मैं फ्रेंड्स। तो यहाँ लकड़ियाँ काटी जा रही है, अभी सर्दियाँ हैं, जनवरी महीना चला हुआ है। और अब हम पहुँच चुके हैं सिरमौर के एक गांव में फ्रेंड्स, यहाँ यहाँ से चलते हैं नीचे से ऊपर।
तो यहाँ एप्पल्स का बगीचा है फ्रेंड्स। एप्पल यहाँ ठंडा है, थोड़ा सा हाइट वाला एरिया है, आप देख रहे हो काफ़ी नीचे से हम आए हैं तो यहाँ पर हाइट है और यहाँ एप्पल अच्छा है हमारा। और यहाँ अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर काफ़ी अच्छा, ये कोटी ब्लॉक नामक गांव है, विलेज है यहाँ। वैसे तो ये डेवलप कर गया है काफ़ी, हॉस्पिटल है यहाँ पर, सब कुछ है। तो ये देखिए एप्पल का नया बगीचा लग रहा है यहाँ पर, और इस तरह के रिहायशी इलाका है यहाँ, जैसे देख सकते हैं आप। और ये नया बगीचा तैयार हो रहा है यहाँ उसका। और ये देखिए ये वाटर सोर्स है नेचुरल। नमस्कार जी, कैसे सर? ठीक है। तो ये यहाँ से लिफ्ट करते हैं मोटर को, मोटर के द्वारा। तो फ्रेंड्स 16 मिनट हो चुके हैं, थक भी गया हूँ, व्लॉग बनाता बनाता मैं। ये देखिए एप्पल ऑर्चर्ड, और बीच में बहुत ही खूबसूरत मटर लगाई है। और आज दिनों जो है वो यहाँ एप्पल का काम चला हुआ है, एप्पल का। ये देखिए आप, प्रोनिंग चली हुई है, और प्रोनिंग के बाद इसमें चूना लगाते हैं ताकि डिजीज़ ना आए। और यहाँ ये विलेज काफ़ी खूबसूरत है, और मिस्टर सुरजीत भी हमारे साथ चले हुए हैं। सुरजीत जी, आप इस गांव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इस गांव के बारे में, क्या ये सेब के बगीचे ऐसे ही थे? आज से 10 साल पहले भी ऐसे ही थे क्या? आज से 10 साल पहले भी ऐसी थे कि अभी अभी ये डेवलपमेंट शुरू हुई है? क्या कहना चाहोगे आप? ये तो सर अभी 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 हुई है। देखिए जोर शोर स्प्रे हो रही है।